now talking about exactly the face of the confrontation. now, once you have decided you have to go for the confrontation, the first thing is to schedule the meeting in advance. if you decided to go ahead with direct meeting, schedule it in advance. meeting although this should not be done into a threatening manner, it should be in a very polite and a gentle way. an office setting would normally be more appropriate. दैन अ होम और अ रेस्टोरेंट इवन इफ द कुलीग इज अ फ्रेंड सो एक फॉर्मल सेटिंग के अंदर ऐसी कन्वेशन की मीटिंग करनी चाहिए रदर दैन की हम उसके लिए कोई इन फॉर्मार्मल सेटिंग जो है वो चूज करें सेकेंड टू सेट द टोन फॉर अ कंस्ट्रक्टिव एंड एडुकेटिव सेशन जो हमारी टोन होती है जिसमें हमने बात करनी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना है वो भी बहुत सेटल होनी ज़रूरी है डो नोट टेक ऑन द रोलूजर जज ज्यूरी और एनी वन हु सर आप फौरन किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते उसके ऊपर बहुतान नहीं लगा सकते बल्कि बहुत एक जेंटल मैनर के अंदर उसके साथ कन्फ्रटेशन करना जरूरी है द सेशन प्रोग्रेस बेस्ट इफ़ यू व्यू योर सेल्फ एज है कॉली अगर आप उसको यह एहसास दिलाएं कि आप उसके हमदर्द हैं आप उसके दोस्त हैं और आप उसके फायदे के लिए उससे यह बात करने जा रहे हैं तो प्रोबेबली उसका फायदा जो है उस कन्फ्रटेशन की मीटिंग का ज्यादा होगा एंटरिंग द कन्फ्रेंटेशन फेज रिमेन काम एंड सेल्फ़ कॉन्फिडेंट इस तरह की बात जिसमें हमने किसी इंडिविजुअल को उसकी किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है उसे करेक्ट करने की कोशिश करनी है अपने आप को कंपोज रखना अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो कॉलीग में डिस्प्ले सम कंसिडरेबल इमोशंस वो सुनते ही फ़ौर कह सकता है कि वाई यू आर सेंग दिस टू मी या तुम्हारा क्या काम है या तुम्हें किसने बताया सो so, ऐसी सिचुएशन के अंदर एक नॉन थ्रेटनिंग वे के अंदर उसके साथ डिस्कशन करना और उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी बात को प्रोसीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है देन डिस्क्राइब योर एथिकल ऑब्लिगेशन, नोटिंग द रेलिवेंट मॉरल प्रिंसिपल जिसकी अभी हमने पहले बात की थी कि पहले से एविडेंस निकाल के रखें कि कौन सी चीज की उसने वायलेशन की है और एथिकल कोड स्टैंडर्ड प्रोमोटिंग योर इंटरवेंशन अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आप उसको कामली बताएं कि तुमने ये एथिकल वायलेशन की है तुमने इस पॉइंट ऑफ व्यू को नगेट किया है तुमने एपीए का ये रूल जो है वो फॉलो नहीं किया या तुम्हें इस तरीके से इस सिचुएशन में ये करना तुम्हारा प्रोफेशन अलाउ नहीं करता था नेवर प्ले डिडक्टिव व ट्राइंग टू ट्रैप योर कुलीग टू लीडिंग क्वेश्चन हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन में जब हम कन्फर्नट्रेशन कर रहे हैं लीडिंग क्वेश्चन लोडेड क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं करने चाहिए डबल बैरल क्वेश्चन नहीं करने चाहिए हमें ऐसी सिचुएशन के अंदर काम ली अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपने इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों के साथ ये ये जो है वो स्टेप्स फॉलो किए आपने इन इन गाइडलाइंस का ख्याल नहीं रखा आपने डिसेप्शन की डिब्रीफिंग नहीं की आपने इंफॉर्म कंसेंट नहीं लिया और हैंस आपने यहां यहां पर ये ये वायलेशन की हैं देन इफ यू आर इंटरवीनिंग ऑन बिहाफ ऑफ बिहा एल्स यू विल फर्स्ट हैव टू दैट यू आर देयर एंड ऑफर एनी है अब अगर आप किसी के कहने पर आए हैं यानी किसी ने आपको कहा है कि ये काम तुम तो मेरे बेहफ पे करो तो इवन देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और आपको बताना है उसे यही सारी सिचुएशन के कहाँ कहाँ पर उसने किन रेड फ्लैग्स को क्रॉस किया है किन ख़तरे के निशानों का उसने ध्यान नहीं किया और उसने अपनी प्रैक्टिस में कौन कौन सी एथिकल जो है वो वायोलेशन की हैं और कहाँ वो अनएथिकल रहा है अलाउ को लीग एम्पल टाइम टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड हिज और हर पोजिशन इन एज मच डिटेल एज रिक्वायर्ड अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस इंडिविजुअल को ये ना कहें कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें और उसके बाद उसको कहें कि भाई यू आर एलिश फॉर दैट नो दिस इज़ नॉट द केस उसको पूरी तरह से सुनना उसको अपनी बात को एक्सप्लेन करने का मौका देना उसको अपनी बात को जो है वो प्रूव करने का मौका देना इज़ वेरी मच ऑब्लिगेटरी क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आ, वो जो इंडिविजुअल है जिसको हम कोई भी एक्यूज़ चार्ज करें या उससे कोई अनएथिकल जो है वो हम बात कमिट करने की बात करें वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब भी होगा वो फ्रस्ट, फ्रस्ट्रेट भी होगा बारस भी होगा डिफेंसिव भी होगा वो रेपिटेटिव भी होगा वन हैज टू बी वेरी पेशेंट वाई गिविंग द फुल चांस एंड फुल टाइम टू लिसन टू द ऑपोजिट पार्टी देन इफ द कॉलीग बिकम एब्यूजिव और थ्रेटनिंग टू स्टीयर द पर्सन टू मोर कंस्ट्रक्टिव मैनर अब ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई इंडिविजुअल जो है अगर वो बदतमीजी करता है वो अब्यूजिव हो जाता है वो धक्के देता है मारपीट करने लग जाता है दिस could इन्वॉल्व इंक्लूडिंग another appropriate अप्रोप्रिएट पर्सन और प्रेसिंग फॉर्मल चार्जेस तो वहाँ पर लॉ के पास जाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर इनफॉर्मल कन्फर्टेशन ख़त्म हो जाती है और इस स्टेज के बाद वी नीड टू गो फॉर फॉर्मल कन्फर्टेशन जो कि हमारी लीगल एंड लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के थ्रू कोई करेक्टिव डिसीजन लेने के लिए होती है सो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच वी गो थ्रू द कन्फर्टेशन विद द अदर पर्सन वल टॉकिंग अबाउट सम अनएकल प्रेसिडेंट